हेलो दोस्तों, वेलकम टू AK त्रिपाठी क्लासेस। दोस्तों, आज का यह वीडियो मैं क्लास 12th NCERT की बुक से चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की प्रश्नावली 2.2 से बना रहा हूँ। आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैं प्रश्नावली 2.1 उसके बेसिक्स और प्रश्नावली 2.2 में यूज होने वाले फार्मूले के वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाके उन वीडियोज को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल है 3 sin inverse x = sin inverse 3x - 4x³। यहाँ पर हम लोग को LHS = RHS प्रूव करना है, यानी सिद्ध करना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर LHS से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर साइन इनवर्स x को हम लोग y मान लेंगे। साइन इनवर्स x बराबर y, अतः ये LHS हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 3, और साइन इनवर्स x को हम लोग y माने, यानी y। अब हम लोग RHS को लिखेंगे। साइन इनवर्स 3x - 4x³। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि साइन इनवर्स x बराबर y, अतः x बराबर साइन y लिखा जा सकता है। इसी तरह दोस्तों, यहाँ पर x की जगह हम लोग साइन y रखेंगे। साइन इनवर्स कोष्टक के अंदर 3 sin y - 4 sin³y, कोष्टक बंद। अब साइन इनवर्स, ये दोस्तों आपने पिछली कक्षाओं में ये फार्मूला आपने कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा होगा। ये फार्मूला sin³y का है, sin³y का। अब यहाँ पर साइन इनवर्स और ये साइन कट जाएंगे और आंसर हमारा 3y आ जाएगा। अब देखिए, RHS हमारा 3y और LHS भी हमारा 3y आया है। इस तरह LHS बराबर RHS प्रूव हो गया है। अगला सवाल भी दोस्तों कुछ पहले के सवाल जैसा ही है। इस सवाल में 3 cos inverse x = cos inverse 4x³ - 3x है। यहाँ पर भी दोस्तों हम लोग कुछ वैसे ही हल करेंगे। सबसे पहले cos inverse x को हम लोग y या कोई भी संख्या मान सकते हैं। अब हम लोग LHS को देखेंगे। यहाँ पर cos inverse x को y माने हैं, यानी कि 3y, और RHS को cos inverse x को यहाँ पर वैसे ही x = cos y, ये cos inverse जब उस साइड जाएगा तो ये cos y हो जाएगा। यहाँ पर 4 और यहाँ पर x की जगह cos y, यानी कि cos³y - 3 cos y। ये दोस्तों हमारे cos³y का फार्मूला है। cos inverse, ये हमारा cos³y का फार्मूला है। आपको फार्मूले ज़रूर याद होने चाहिए अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है। cos से cos कट जाएगा, यहाँ पर हमारा 3y आ जाएगा। इस तरह हमारा LHS बराबर RHS प्रूव हो गया। अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल है tan inverse 2y11 + tan inverse 7y24 = tan inverse 1y2। यहाँ पर हमें इस साइड को सॉल्व करके इस साइड के बराबर लाना है। तो देखिए दोस्तों, कल मैं फार्मूले के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फार्मूला था tan inverse x + tan inverse y = tan inverse x + y / 1 - xy। अब हम लोग 2y11 को
x और 7/24 को y मानेंगे। अब फिर इस फार्मूले पर इनको प्रतिस्थापित करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई यानी 2/11 प्लस y की जगह 7/24 अपॉन 1 माइनस x की जगह 2/11 इंटू वाई की जगह 7/24। जब हम लोग इस साइड को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप लोग इसे रफ में सॉल्व कर सकते हैं tan इनवर्स 125 अपॉन 250 मिलेगा। जब हम लोग इसे काटेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि 125 दूनी 250 होता है, तो हमारा आंसर tan इनवर्स 1/2 हो जाएगा। अगला सवाल है, कल मैंने होमवर्क दिया था और उसके आंसर आप लोगों से मांगे थे, जिनमें से कई स्टूडेंट ने हमें आंसर कमेंट में और इंस्टाग्राम में भेजे, जिनमें से टॉप 3 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, जिनके नाम आगे आप लोग देखेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए लगातार देखते रहिए। अगला सवाल है दोस्तों, 2 tan inverse 1/2 प्लस 10 inverse 1/7 बराबर 10 inverse 31/17। यहाँ पर दोस्तों इस सवाल में दो फार्मूले यूज होंगे। सबसे पहले हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ जो मिलेगा उसे और इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सॉल्व करने के लिए कल हमने फार्मूला देखा था 2 tan inverse x बराबर 10 inverse 2x/1 - x². अब ये 1/2 को हम लोग x मानेंगे। सबसे पहले हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, क्या है 2 tan inverse 1/2। फार्मूला रखेंगे, ये हो जाएगा tan inverse 2x यानी कि 2 × 1/2, इसको हम लोग x माने हैं और यहाँ पर रख रहे हैं 1 - x² x क्या है 1/2 यानी कि 1/4। और सॉल्व करने पर tan इनवर्स यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर जब यहाँ 4 और यहाँ पर 3/4, 4 ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा tan इनवर्स 4/3। सॉल्व करने पर tan इनवर्स 4/3 हमें मिल गया है। और आगे का पार्ट जो कि सवाल में लिखा था वो है tan inverse 1/7 यानी कि अब फार्मूला बन चुका है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जो कि आप लगा सकते हैं। मैं दिखाता हूँ फार्मूला, tan इनवर्स x प्लस y है तो tan इनवर्स x प्लस y यानी कि 4/3 प्लस 1/7 1 - 4/3 × 1/7। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं tan इनवर्स यहाँ पर दोस्तों इसका राशा 21 आ जाएगा, 3 × 7 = 28 प्लस 7 × 21 यानी यहाँ पर 3, 1 - 7 × 21 यहाँ पर 4। इसको पूरे को सॉल्व करने पर हमें tan इनवर्स 31/17 मिल जाएगा, जो कि RHS के बराबर है। अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों 5 नंबर, tan इनवर्स √1 प्लस x² - 1/x, जहाँ पर दिया है x 0 नहीं हो सकता, इसको हमें हल करना है। दोस्तों इस प्रकार के सवाल को फार्मूले से नहीं बल्कि प्रतिस्थापित करके निकाला जाता है। मैं कल आपको बता चुका हूँ कि जब भी कहीं आपको a² + x² दिखाई दे तो आपको वहाँ पर x बराबर
टैन थीटा रखना है। यानी यहाँ एक लिखा है, यानी कि ये एक स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर, यानी और एक हमारा एक ए है। इस तरह हमारा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग एक्स बराबर टेन थीटा रखेंगे। थीटा की जगह हम लोग एक्स वाई जेड कुछ भी रख सकते हैं। तो रखते हैं टेन इनवर्स रूट वन प्लस टेन स्क्वायर वाई माइनस वन अपॉन एक्स बराबर टेन वाई, है ना। फिर अब देखिए दोस्तों, वन प्लस टेन स्क्वायर वाई सेक स्क्वायर वाई का फार्मूला है, और जब सेक स्क्वायर वाई को का अंडर रूट निकालेंगे तो सेक वाई हमें मिल जाएगा। टेन इनवर्स सेक वाई माइनस वन अपॉन टेन वाई। अब सेक वाई को दोस्तों हम लोग वन बाई कॉस वाई लिख सकते हैं, और टेन वाई को साइन वाई बाई कॉस वाई लिख सकते हैं। टेन इनवर्स इसको जो हम लोग वन बाई कॉस वाई और इसको साइन वाई बाई कॉस वाई रखेंगे तो हमें मिलेगा वन माइनस कॉस वाई बटे साइन वाई। अब देखिए दोस्तों, आपने पिछली कक्षाओं में फार्मूले पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं और आप उन्हें देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करिए, हम उस पर एक वीडियो बना देंगे। कि कॉस वाई बराबर, दो फार्मूले आपने पढ़े हैं, एक पढ़ा है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस वन, उसी फार्मूले को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन सॉरी प्लस वन अपॉन साइन वाई की जगह दोस्तों हम लोगों ने साइन टू वाई बराबर टू साइन वाई इंटू कॉस वाई पढ़ा है। अब यहाँ पर साइन टू वाई नहीं, साइन वाई है, तो यहाँ वाला दो उनके नीचे चला जाएगा। ऐसे टू साइन वाई बाई टू इंटू कॉस वाई बाई टू। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे टेन इनवर्स, जब इसको खोलेंगे दोस्तों तो एक से एक कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा टू साइन स्क्वायर माइनस में वाई बाई टू अपॉन टू साइन वाई बाई टू इंटू कॉस वाई बाई टू। अब देखिए यहाँ पर दो से दो कट जाएगा, एक साइन वाई बाई टू से हमारा एक साइन वाई बाई टू कट जाएगा, और साइन वाई बाई टू बटे कॉस वाई बाई टू हमारा टैन वाई बाई टू आ जाएगा। कुछ इस तरह से टैन इनवर्स माइनस टैन वाई बाई टू हमारा सॉल्व करने पर आ जाएगा। अब यहाँ पर टैन इनवर्स से टैन इनवर्स कट जाएगा, और यहाँ पर माइनस वाई बाई टू इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हम लोगों ने एक्स बराबर, यहाँ पर हम लोगों ने एक्स बराबर टेन वाई माना था, तब वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स होगा। इस तरह से यहाँ पर माइनस टेन इनवर्स एक्स वाई टू आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम आपको कल का होमवर्क और उसके सही जवाब देने वाले स्टूडेंट का नाम बताते हैं। कल का होमवर्क था हमारा टेन इनवर्स 2x प्लस टेन इनवर्स 3x बराबर पाई बाई फोर, जिसका सही आंसर है 1 बाई सिक्स, जिनके आंसर हमें इंस्टाग्राम और कमेंट में कई स्टूडेंट ने दिए, जिनमें से टॉप 3 स्टूडेंट सिलेक्ट किए गए हैं, जिनके नाम हैं देवेंद्र यादव, सनी कुमार और कदम सिंह। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, जिससे वो भी हमारी क्लास का लाभ उठा सकें।
अगले सवाल में हम लोग आ जाते हैं। अगला सवाल है टैन इनवर्स 1/√x²-1। अब दोस्तों कल के मैंने वीडियो में आपको बताया था कि जब कभी x²-a² आपको दिखाई दे तो वहाँ पर x बराबर a sec थीटा प्रतिस्थापित करना है। इस सवाल में हम लोग x बराबर sec थीटा प्रतिस्थापित करके इसे हल करेंगे। यहाँ पर x बराबर sec थीटा रखेंगे यानी कि थीटा बराबर sec इनवर्स x लिख सकते हैं। अब हम लोग सवाल की तरफ चलते हैं। टैन इनवर्स 1/x की जगह sec थीटा यानी कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमारा tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला है। टैन इनवर्स 1/tan²θ और जब हम लोग उसका रूट निकालेंगे तो यहाँ पर tan थीटा आ जाएगा और ये tan थीटा जब ऊपर जाएगा तो cot थीटा हो जाएगा। कैसे? tan इनवर्स cot थीटा। अब cot थीटा को दोस्तों हम लोग tan इनवर्स tan π/2-θ लिख सकते हैं और यहाँ पर tan इनवर्स से tan इन कट जाएगा और π/2-θ इसका आंसर आ जाएगा। या दोस्तों हम लोग यहाँ पर थीटा बराबर sec इनवर्स x निकाले थे तो यहाँ पर π/2-θ बराबर sec इनवर्स x रखकर आंसर निकाल सकते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल है tan इनवर्स √1-cos(x)/1+cos(x)। यहाँ पर cos x का फार्मूला दोस्तों दो होते हैं, 1-2sin²x/2, दूसरा होता है 2cos²x/2-1। हम लोग इन फार्मूलों का यूज आवश्यकता अनुसार करते हैं। जैसे यहाँ पर हमें इस एक को हटाना है तो हम लोग यहाँ पर इस फार्मूले को लगाएंगे जिससे यहाँ माइनस रहेगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये एक से एक कट जाएगा और नीचे वाले में हम लोग इस फार्मूले को लगाएंगे। कुछ इस तरह से हम लोग फार्मूले को रखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आसानी से एक कट जाएगा और नीचे भी इस तरह एक से एक कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा sin²x/2/cos²x/2 जो कि tan²x/2 का फार्मूला है। tan इनवर्स tan²x/2 इसका अंडर रूट निकालेंगे। अंडर रूट निकालने पर tan इनवर्स इसका हो जाएगा tan²x/2। यहाँ पर tan इनवर्स से tan कट जाएगा और आंसर हमें x/2 मिल जाएगा। इस तरह से आप 7 नंबर सवाल को हल कर सकते हैं। 8 नंबर सवाल है tan इनवर्स cos(x)-sin(x)/cos(x)+sin(x)। यहाँ पर दोस्तों हम लोग cos x का भाग देकर इस सवाल को आसान बना लेंगे फिर इसे हल कर लेंगे। कैसे? यहाँ पर दोस्तों अंश और हर दोनों में cos x का भाग देना है। tan इनवर्स दोस्तों जब यहाँ पर cos x का भाग देंगे तो cos x से cos x कट जाएगा यानी यहाँ पर 1 प्राप्त हो जाएगा, -sin²x/cos(x) होगा तो tan(x) आ जाएगा बटे में, जहाँ यहाँ पर जब cos x का भाग देंगे तो यहाँ पर हमें 1 मिल जाएगा प्लस sin²x/cos(x)tan(x) मिल जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि एक tan के पद्य मान tan 45 अंश का होता है यानी कि 45 अंश को हम लोग tan π/4 लिख सकते हैं क्योंकि पाई को हम लोग 180 डिग्री मानते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा tan π/4-tan²x/1+। यहाँ पर दोस्तों सिर्फ tan x लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर हम लोग tan π/4
भी लिख सकते हैं, क्योंकि tan पाई बाई 4 का मान 1 होता है। जब 1 का गुणा tan x में होगा तो tan x आ जाएगा। इस तरह हमें सेम यही चीज़ मिल जाएगी, बस लिखने का तरीका बदला है, चीज़ हमारी वही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि tan a माइनस tan b अपन 1 प्लस tan इंटू tan b, ये हमारा tan a माइनस b का फार्मूला है। किसका दोस्तों? tan a माइनस b का। हमें यहाँ पे मिलेगा tan इनवर्स a माइनस b, यानी कि a हमारा पाई बाई 4 और b हमारा x, तो क्या हो जाएगा? tan पाई बाई 4 माइनस x। अब इस tan इनवर्स से tan कट जाएगा और आंसर में हमें पाई बाई 4 माइनस x मिल जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। अगला सवाल है tan इनवर्स x अपान रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने आपको बताया है कि जब कहीं भी आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई देगा तो हमें x बराबर ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा रखना है। यहाँ पर हम लोग ए साइन थीटा रखेंगे। x बराबर ए साइन थीटा रखने पर, या दोस्तों इसको हम लोग x अपॉन ए बराबर साइन थीटा भी कह सकते हैं। अब इसको हल करने पर tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स जगह ए साइन थीटा, यानी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको और ज़्यादा सॉल्व करने पर दोस्तों tan इनवर्स ऊपर ए साइन थीटा, नीचे दोस्तों ए स्क्वायर कामन कर लेंगे, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है। इस तरह से ए स्क्वायर का बाहर ए आ जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा प्राप्त हुआ था उसका हमें कॉस थीटा मिल जाएगा। यहाँ पर ए से ए कट जाएगा और tan इनवर्स साइन थीटा बटे कॉस थीटा का tan थीटा हो जाएगा। tan से tan कट जाएगा और आंसर में हमें थीटा मिल जाएगा। और थीटा यहाँ पर हम लोगों ने निकाला x बाई ए बराबर साइन थीटा, यानी थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स बाई ए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस समय वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर जरूर कीजिए। अगला सवाल है 10 नंबर। अगला सवाल है tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ पर दोस्तों माना x बराबर a tan थीटा, यानी x बराबर a tan थीटा हम लोग यहाँ पर प्रतिस्थापित करेंगे। x बराबर a tan थीटा या x बटे a बराबर tan थीटा मान सकते हैं। अब जब यहाँ पर x बराबर a tan थीटा रखेंगे तो a से a का गुणा होगा तो यहाँ पर a क्यूब आ जाएगा, बाकी सेम उतार दिया जाएगा। माइनस x की जगह a tan थीटा रखेंगे, जब उसका क्यूब करेंगे तो a क्यूब इंटू tan क्यूब थीटा आ जाएगा बटे a क्यूब आ जाएगा माइनस 3a x जगह ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इस तरह ए क्यूब इंटू tan स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। अब आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा ये हमारे tan 3 थीटा का फार्मूला होता है। किसका दोस्तों? tan 3 थीटा, tan इनवर्स इंटू ये हमारे tan 3 थीटा का फार्मूला हो गया। tan इनवर्स से tan कट जाएगा और आंसर हमें 3 थीटा मिल जाएगा। और हम लोगों ने यहाँ पर x बाई ए बराबर tan थीटा माना है, यानी थीटा बराबर tan इनवर्स, tan इधर आ जाएगा तो tan इनवर्स x बाई ए। यहाँ आंसर, सही आंसर क्या होगा? 3 tan इनवर्स x बाई ए। इस तरह दोस्तों प्रश्नावली के 10 सवाल हमने आपको बता दिए हैं। आगे के सवाल हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। अब दोस्तों हम लोग आज की वीडियो का होमवर्क देख लेते हैं।
ये दोस्तों हमारे आज के वीडियो का होमवर्क, जो जो कि आपको इसका आंसर हमें इंस्टाग्राम पर भेजना है या तो यूट्यूब के नीचे कमेंट करना है। फिलहाल दोस्तों मैं इस क्वेश्चन की आपको कुछ हिंट बता देता हूँ, जिससे आपको लगाने में आसानी रहे। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमें रूट 3/2 को सॉल्व करना है, फिर इस सबसे पहले हमें छोटे वाले कोष्ठक को सॉल्व करना है, फिर यहाँ जितना निकले उसे साइन के साथ सॉल्व करना है, फिर बड़े कोष्ठक को सॉल्व करना है, फिर हमारा कुछ अंदर टैन के रूप में प्राप्त होगा, फिर टैन से टैन कट जाएगा और इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा। आप लोग कोशिश करेंगे तो ये सवाल आपको आ जाएगा। दोस्तों जो भी स्टूडेंट इस आंसर को भेजेंगे उनमें से जो टॉप 3 स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे उनका नाम और उनकी फ़ोटो सहित उनके आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग हमारे वीडियो को देख सकें और उन्हें भी लाभ हो। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप केवल सब्सक्राइब करते हैं तो आप हमारे केवल सब्सक्राइबर हो गए, लेकिन अगर आप बेल आइकन को भी दबा देते हैं तो आपको हमारे वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आप सबसे पहले वीडियो देखकर तुरंत हमारे वीडियो का होमवर्क हमें करके इंस्टाग्राम पर भेज सकें। इंस्टाग्राम की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है।